नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैश्विक कोविड 19 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जो बाइडेन के न्योते पर महामारी के खिलाफ दुनिया को देंगे मंत्र। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी जाएंगे पीएम मोदी। नेपाल यात्रा के दौरान चीन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा विमान। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक पखवाड़े तक मनेगा जश्न। हर बूथ पर दस्तक देगी भाजपा। राज्यों को समिति बनाने के निर्देश। भीषण गर्मी से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय का स्कूलों को निर्देश। का ड्रेस के नियमों में छूट दें। स्कूलों के समय में करें बदलाव। रांची के बिरसा मुंडा जेल पहुंचते ही बेहोश हुई आईएएस पूजा सिंगल। मनरेगा घोटाले के मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद भेजा था जेल। पूजा सिंगल को निलंबित न किए जाने पर भाजपा ने उठाए सवाल। दीपक प्रकाश बोले, राज्य की जनता को उम्मीद, सीएम निभाएंगे राजधर्म। मोहाली में खुफिया मुख्यालय के हमले का मिला सीसीटीवी फुटेज। 38 सेकंड में किया गया धमाका। नहीं हुई हमलावर की पहचान। जहांगीरपुरी बवाल के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। उत्तरी दिल्ली में भी दंगे की थी साजिश। अब तक 37 गिरफ्तार। श्रीलंका में जारी संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया नहीं छोड़ेंगे पद। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जल्द। सड़कों पर सैनिक तैनात। कांग्रेस के अंदर की खबरें बाहर पहुंचने पर सोनिया गांधी परेशान। गठबंधन के बजाय खुद को मजबूत करने का लेंगी फैसला। ताजमहल में बने कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट की निगरानी में वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग। धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदला चक्रवात असानी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। चीन के एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान तिब्बत के विमान में लगी आग। हादसे में कई यात्री घायल। 100 से ज्यादा लोग निकाले गए सुरक्षित। राजस्थान के भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में बढ़ा तनाव। विश्व हिंदू परिषद के नेता पर हमला। बीकानेर किया गया रेफर। विरोध के बावजूद अयोध्या जाने पर अड़े मनसे प्रमुख राज ठाकरे। बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू। 11 ट्रेन बुक करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प और पथराव। घर और मोटरसाइकिल में लगाई आग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समित पात्रा की कार पर फेंकी स्याही। बढ़ती महंगाई को लेकर किया विरोध। ओडिशा की घटना। सारा के निवेशकों के मामले पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पटना पहुंचे चेयरमैन सुब्रत राय। मीडिया और लोगों से बनाई दूरी। हरियाणा में बम निरोधक दस्ते ने घंटों तक चलाया सर्च ऑपरेशन। कोर्ट परिसर और बस स्टैंड सहित कई जगह हुई चेकिंग। लाउडस्पीकर से अजान पर भड़के पद्म भूषण स्वामी राम भद्राचार्य। का जिन्हें अजान की जरूरत, वो भारत छोड़ जाए पाकिस्तान। सीबीआई ने विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन मामले में 14 को दबोचा। देश भर में 40 जगहों पर की छापेमारी। 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2,897 नए मामले। दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। मौत के मामले में केरल आगे। कोरोना के बूस्टर डोज के नियमों में ढील देने की तैयारी में सरकार। विदेश जाने वालों को 9 महीने से पहले मिल सकेगी खुराक। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने में तेजी से जुटी होगी सरकार। सीएम योगी ने मिशन रोजगार को लेकर 100 दिन की मांगी रिपोर्ट। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेशी समकक्ष से की बात। बदलती हुई भू राजनैतिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर की चर्चा। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से पहले संकेत देगी 3D तकनीक। बर्फबारी और ग्लेशियरों के पिघलने से बढ़ने वाले जलस्तर का चलेगा पता। पंजाब के धमाके के बाद हरियाणा बनाएगा आतंकवाद विरोधी दस्ता। पुलिस कार्यालय और सरकारी भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट। गहलोत ने सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। बोले, आदतन अपराधियों पर NSA के तहत कार्रवाई करे प्रशासन। पीएम अन्न योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर अखिलेश का तंज। बोले, चुनाव खत्म होने के बाद राशन सरेंडर का दबाव बना रही है सरकार। प्रयागराज कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई पूरी। आज कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की नई तारीख पर आएगा निर्णय। आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने रद्द की परीक्षा। कुछ विषयों के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के बाद उठाया कदम। केजरीवाल ने गुजरात में सत्ता में आने पर मुफ्त तीर्थ यात्रा का किया वादा। बोले, वरिष्ठ नागरिकों को AC ट्रेनों में अयोध्या का करवाएंगे दर्शन। उत्तराखंड सीएम धामी के पास राइफल समेत 2 करोड़ की संपत्ति। चंपावत उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन शपथ पत्र से हुआ खुलासा। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भाजपा और राज ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, लोगों को विकास और रोजगार चाहिए, नफरत नहीं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दीपक प्रकाश के आरोपों पर किया पलटवार। बोले, प्रदेश में चोर मचाए शोर, जैसी है भाजपा की स्थिति। सरकारी काम में लापरवाही के आरोप में हटाए गए यूपी के DGP मुकुल गोयल की जगह अब ADG प्रशांत को मिला अस्थायी कारभार। सिंधिया ने भारतीय बाजार में एवटोल विमानों की संभावना पर दिया जोर। बोले, अमेरिका और कनाडा की कई कंपनियों के साथ हुई है चर्चा। रेलवे ने एक दिन में 19 अधिकारियों को किया सेवानिवृत्त। ठीक से काम न करने वालों से निजात पाने के लिए उठाया कदम।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, बोले शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगी है बीजेपी जेजेपी सरकार। अगस्त सितंबर में शुरू होगी भारत में 5G से पहली कॉल, जून और जुलाई के बीच शुरू हो जाएगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी कर जताई चिंता, का सूखे की अवधि बढ़ने के साथ पानी की कमी से जूझेंगे अरबों लोग। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रावण से की राज ठाकरे की तुलना, बोले उत्तर भारतीयों पर किए गए अत्याचार के लिए ठाकरे मांगे माफी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यूपी के भाजपा सांसदों को दी नसीहत, बोले राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का नहीं करना चाहिए विरोध। विस्तारा ने महामारी के पूर्व स्तर पर किया पायलटों का वेतन और भत्ता, उड़ानों के संचालन में तेज गति से सुधार के बाद लिया फैसला। पंजाब सरकार ने पूर्व सीएम भट्टल समेत 7 की सुरक्षा में की कटौती, सुनील जाखड़ और सांसद हरसिमरत कौर बादल के नाम शामिल। राजद्रोह कानून को लेकर रिजिजू ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, बोले स्वतंत्रता लोकतंत्र और संस्थानों के सम्मान का विरोधी रही है कांग्रेस। यूपी विधानसभा में सभी सदस्यों को सीट पर मिलेगी टैबलेट की सुविधा, आगामी 23 मई से शुरू होने वाले सत्र की कार्यवाही होगी डिजिटल। आईपीएल में दिल्ली ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार, वार्नर मार्स ने लगाया अर्धशतक। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 160 रन बनाए, जवाब में दिल्ली ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला, अपना सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी रोहित शर्मा की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।